इमामबाड़ा मतवलियान कमेटी के जिला अध्यक्ष सैयद इरशाद अहमद के नेतृत्व में कमेटी के लोगों ने मंगलवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में शाकिर अली सलमानी ने बताया कि इमामबाड़ा स्ट्रीट व इमाम चौकों से निकलने वाले परंपरागत जुलूस के मार्गों को ठीक कराने, स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त कराने, जर्जर लटक रहे तारों को मरम्मत कराने की आवश्यकता है, क्योंकि इमामबाड़ा स्ट्रीट से निकलने वाले शाही जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरता है और जुलूस के मार्ग क्षतिग्रस्त हैं, उन्हें ठीक कराने की आवश्यकता है। इस दौरान जिलाध्यक्ष इरशाद ने जिलाधिकारी को 16 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के लोग भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए शाकिर अली सलमानी ने कहा, शाकिर अली सलमानी, संरक्षक हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आज मुहर्रम और गणेश पूजा के अवसर पर पूरे गोरखपुर परिक्षेत्र में सड़कों के निर्माण और क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करने के लिए इमामबाड़ा मतवलियान कमेटी सैयद इरशाद अहमद और हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के संयुक्त बैनर तले हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर, शकील कादरी जी हमारे साथ, अदील अख्तर खान साहब, विजय कुमार श्रीवास्तव जी, सब लोग अपने टीम के साथ आए हैं। जिलाधिकारी से हमारी मांग है कि सीएम का शहर है, मुख्यमंत्री का शहर है, यहाँ पे मुहर्रम के अवसर पे इमामबाड़ा स्टेट मियाँ साहब का 5वीं का जुलूस, 9वीं का जुलूस, 10वीं का जुलूस जो निकलता है, ये तमाम जुलूस मार्ग खास तौर से चौरैया गोला के इलाके का जो भी जुलूस है जो हमारे इमामबाड़ा स्टेट से निकलता, वो मार्ग सब खराब है, उसको तत्काल दुरुस्त कराए नगर आयुक्त मेयर और अहमदनगर चकसा हुसैन वार्ड नंबर 64 में नूरी मस्जिद के सामने जो इमामबाड़ा रोड है वो बेहद खराब है, तमाम जुलूस निकलने हैं। ऐसे में हम जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि नगर आयुक्त और मेयर को हर हाल में हमारे इलाके में वो आए और देखें वहाँ की स्थिति। जुलूस मार्ग गोरखपुर में 72 वार्ड हैं और तमाम मोहल्लों से जुलूस मुहर्रम का निकलता है, ऐसे में गणेश पूजा है, हम चाहते हैं दोनों त्योहारों में साफ सफाई हो, रोडों को सही किया जाए और हिंदू मुस्लिम एकता के साथ त्योहारों को सकुशल संपन्न कराया जाए।